दुनिया इस वक्त रोज रात 9:30 बजे हमारा इंतजार करते हैं, कब हम आएंगे और आके आपके घरों में ठहाके और हंसी और मुस्कुराहट के गुलदस्ते लेके आएंगे। तो आ गए हम लोग, हमारे हाथ में कुछ फूल है जो आपको नजर नहीं आ रहे हैं। वो फूल यूं है जो आपके दिल तक सीधे मेरे दिल से पहुंचेंगे, आप हंसेंगे मुस्कुराएंगे ठहाके लगाएंगे और कहेंगे वाह भाई वाह। जिंदगी में हर चीज का इलाज हो सकता है, इलाज करने वाला चाहिए। जैसे हिंदुस्तानी पति वो इलाज करना जानता है, बेचारा इतना प्रताड़ित रहता है कि यूं तो कर नहीं पाता लेकिन समय आते ही कर लेता है। एक आदमी अपनी बीवी के साथ किसी दुकान में घूम रहा था, गलती से बीवी ने एक बिस्किट का पैकेट रख लिया। हालांकि कहा उसने गलती था पर वो गलती थी नहीं। गिरफ्तार हुई, जज ने पूछा क्या किया है? साहब बिस्किट चुराए। कितने बिस्किट थे? बोले 30। अच्छा 30 बिस्किट 30 दिन की सजा। एक बिस्किट 1 दिन। पति बोला राई का पैकेट भी चुराया था इसने। हिंदुस्तानी आदमी कुछ भी कर सकता है। जैसे आपने शादी का कार्ड देखा होगा, विवाह से मुझे याद आ गया, शादी के कार्ड में वर और वधु के आगे 100 बिंदु लगा रहता है। हमें बचपन में सिखाया गया था कि वधु के आगे 100 मतलब सौभाग्य कांक्षिणी और वर के आगे ची मतलब चिरंजीवी। इनको भी ये जानकारी पहली बार मिल रही है, इन्हें भी ये पता नहीं था कि क्या है। कई चीजें नहीं पता होती ना, नहीं पता होती, आज मैंने बता दिया आप लोगों को। तो वधु के आगे 100 मतलब सौभाग्य कांक्षिणी बिंदु लगाते थे और ची मतलब चिरंजीवी। अब हमारा एक दोस्त को पूछ लिया टीचर ने क्लास में, बताओ वधु के आगे 100 और वर के आगे ची क्यों लगाते हैं? बोले सर ये एक डायरेक्ट फरमान है, इसका अर्थ ये है कि शादी के बाद जो वधू है वो 100-100 सुनाएगी लेकिन पति ची भी नहीं करेगा। हिंदुस्तानी आदमी है ना, वो जानता है उसे कब क्या करना है। इसीलिए वी आर द बेस्ट ब्रीड इन द वर्ल्ड। हम तमाम भाषाएं अच्छी बोलते हैं, खुल के बोलते हैं। 140 करोड़ लोगों का देश हंसता है, मुस्कुराता है, ठहाके लगाता है, खुश रहता है। दुनिया कहती होगी फिनलैंड जो है दुनिया का सबसे सुखी देश है, हंसने वाला देश है। हमारे देश में आके देखो, हमें हंसने का कोई कारण न मिले तो कोई केले के छिलके से फिसल जाए हम तो भी हंस लेते हैं। हमें हंसने के लिए कोई जॉक्स की जरूरत नहीं होती है, हम तो वैसे ही हंस लेते हैं। किसी का पैंट फटवाए तो हम हंसते मुस्कुराते देश हैं और वही रहना भी चाहिए। और अगर आप नहीं मुस्कुरा सकते तो मेरे पास आइए ना, आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा खड़ा है रोज रात 9:30 बजे शेमारू टीवी पे, कहता वाह भाई वाह। और हमारे साथ 3 ऐसे साथी हैं और हमें बड़ी खुशी है। शेमारू टीवी इज प्राउड ऑफ दिस, हमें गर्व है इस बात का। हाँ गर्व है कि हम देश की छुपी हुई प्रतिभाओं को ढूंढ के लेके आ रहे हैं और 3 ऐसी प्रतिभाएं लेके आ रहे हैं जो पहली बार टेलीविजन पे आ रही है। इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है? तो छोटी छोटी जगहों पे और कस्बों पे बसे हुए लोग जो अपनी प्रतिभा से रचते तो हैं लेकिन दिखते नहीं है, ये रच रहे हैं, हम दिखा रहे हैं। तीनों हमारे बीच में, हम इन तीनों का स्वागत करते हैं। इनमें सबसे पहले जो है भारत और नेपाल के सीमावर्ती इलाके में एक जिला है लखीमपुर खीरी, वहां एक गांव है सिंघाई गांव में रहते हैं कमलेश दवे और वहां से आते हैं। हम जोरदार ताली में स्वागत करते हैं कमलेश दवे का। गरिमा सक्सेना मूलत है लखनऊ की है, रहती बैंगलोर में है और हिंदी कविताएं रचती है। हम गरिमा का स्वागत करते हैं। और इंदौर मध्य प्रदेश में कमलेश दवे रहते हैं जो हमारे बीच में आए, तीनों का हम स्वागत करते हैं। तो आइए सबसे पहले बुलाते हैं ऐसे जो पहली बार हालांकि तीनों ही पहली बार टेलीविजन पे आए लेकिन जो अपनी कविताओं के आलोक से सारे देश में छा जाना चाहता है, आलोक शुक्ला, जोरदार तालियों के साथ। शैलेश सर, हमारे बीच में बहुत सारे नौजवान प्रेम करते हैं और प्रेम करने के बाद कामयाब नहीं होते हैं। सेंटेंस ठीक बोलो। हमारे बीच में बहुत सारे नौजवान प्रेम नहीं करते, हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो जीवन में प्रेम करते हैं।
हमारे बीच में प्रेम करते का क्या मतलब? पहले सर हमारी नौजवान पीढ़ी प्रेम करती है, अच्छा प्रेम करने के बाद कामयाबी नहीं मिलती है, अब वो प्रेम किया शादी किसी दूसरे के साथ हो गई तो वो रोने लगते हैं। अरे इसे ही तो कामयाबी कहते हैं। अच्छा सर ऐसे लोगों के लिए हिम्मत की दो पंक्तियां मैं सुनाता हूँ। सुनाओ आलो। कि जब प्रेम करें तो कोई ना कोई परिणाम निकलना ही चाहिए। कि इश्क करो तो हिम्मत रखो, इश्क करो तो हिम्मत रखो, रखो कुछ बलबूता और या तो उनको ले भागो या खाओ धड़ाधड़ जूता। वाह सर मेरा भी मन प्रेम करने का हुआ। अच्छा 3-4 महीने एक लड़की के पीछे लगा रहा। अच्छा जब उससे अपना प्रपोजल उसके सामने रखा तो देखिए क्या स्थिति हुई। सले सर सुना के सरे राह मुझसे करके वो पंगा चली गई, सरे राह मुझसे करके वो पंगा चली गई, सरे राह मुझसे करके वो पंगा चली गई, करके दिलो दिमाग को चंगा चली गई, महबूब से किया जब इजहारे मोहब्बत वो कह के मुझको लुच्चा लफंगा चली गई, है वो कह के मुझको लुच्चा लफंगा चली गई। वाह सले सर। अच्छा उसके बाद मैंने एक और लड़की ट्राई की। हाँ बात ये है हिम्मत। एक और लड़की ट्राई की लेकिन वहां भी परिणाम बड़ा विपरीत निकला। अच्छा है कि जैसे मुझे छाटा कोई दुश्मन को न छाटे, जैसे मुझे छाटा कोई दुश्मन को न छाटे, खूब जम के पड़े मुझको लात घूंसे और चाटे, खूब जम के पड़े मुझको लात घूंसे और चाटे, भोली समझ के मैंने जिसे राह में छेड़ा, आते थे कमीनी को जुड़ो और कराटे, आते थे कमीनी को जुड़ो और कराटे। वाह अच्छा सर एक जगह मैंने फिट ट्राई की। अच्छा परिणाम वहां भी विपरीत ही निकला जी। वो मिलने आई, थोड़ा सा वो मिला हमको रिस्पांस, मिलने का वादा किया उसने, लेकिन परिणाम देखिए कि वही विपरीत वाला। कि मुझको भी एक हसीना से प्यार हो गया, वो रात में मिलेगी ये इकरार हो गया, चक्कर लगाए उसके घर के रात रात भर, आशिक न हुआ जैसे चौकीदार हो गया, आशिक न हुआ जैसे चौकीदार हो गया। बढ़िया लोग क्या बात है जी सर। अब सर एक और देखिए। हाँ देखते हैं, तीन तो देख लिए हमने, एक और। अच्छा सर वो बच्चे प्रेम करते हैं, पहले हमारे जो नौजवान लोग थे तो मोबाइल नहीं होता था जी, तो वो लव लेटर से काम चलाया करते थे। अच्छा कभी कभी कुछ लोग कुछ नौजवान खून से लव लेटर लिख दिया करते थे। अच्छा उससे प्रेमिका पे बहुत प्रभाव पड़ता था। अच्छा हमको भी अपनी प्रेमिका पे प्रभाव जमाने का और लिखने के मन हुआ। ये भी लिखते थे लेटर में, लिखता हूँ खून से सही न समझना जी, तू मेरी है पराई न समझना जी। तो मैंने भी अपनी प्रेमिका पे प्रभाव जमाने के लिए खून से लव लेटर लिखा, लेकिन हाथ से रस का कवि हूँ, अपना खून निकाल नहीं सकता था। अच्छा तो खून की व्यवस्था कहाँ से की सर? सुनाओ। मैं तपता मरुस्थल हूँ तू देहरादून है, उल्फत का तेरी मुझ पे ये कैसा जुनून है, जिस खून से लिखा है मैंने तुझे लेटर, पागल वो तो कुत्ते किलोनी का खून है, पागल वो तो कुत्ते की किलोनी का खून है। बहुत बढ़िया बहुत चालो बहुत बढ़िया। क्या बात है, उस जमाने में जब लव लेटर लिखे जाते थे तब मोहब्बत सच्ची भी होती थी, आज की तरह नहीं कि मोबाइल पे आज रात मोहब्बत हुई और सुबह खत्म हो गई।
किसी ने किसी को मैसेज दिया फिर सुबह ब्लॉक कर दिया, ये मोहब्बत तो थी नहीं। तब उदय प्रताप सिंह जी जो हमारे बड़े वरिष्ठ कवि हैं, उनकी चार पंक्तियां मुझे याद आती है, बड़ी मशहूर है। वो कहते थे कि होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के, दिल का मामला है जरा देखभाल के। होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। और मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता, खत में रख देते थे हम कलेजा निकाल के। ये आशिकी हुआ करती थी। आइए मिलते हैं उनसे जो कविता को अलग ढंग से कहते हैं। कमलेश दबे जोरदार ताली सर। नमस्कार भाई साहब, चार पंक्ति से शुरुआत करता हूँ कि जवान बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, बच्चे बच्ची बैठे हैं, कि जो लड़के लड़की के चक्कर में पड़ते हैं, माँ बाप की बातों पर ध्यान नहीं धरते हैं, हमने ऐसे कई संजय दत्त और सलमान खान देखे हैं जो इंदौर की सिटी बस में कंडक्टरी करते हैं। बहुत अच्छे। और दो पंक्तियाँ देखिएगा कि एक लड़के ने लड़की को फोन लगाया और उससे कहा कि तू मेरे घर कब आएगी और मेरे साथ फेरे कब फिरेगी, तेरे इंतजार में मेरा दिल बर्नर जैसा जल रहा है, बर्नर जैसा जल रहा है। तो लड़की ने कहा कि आज तो मैं नहीं आ सकती क्योंकि आज तो मेरा गोद भरे का कार्यक्रम चल रहा है। वाह। और भाई साहब, शादीशुदा आदमी हो तो घर गृहस्थी के ऊपर कुछ पंक्तियां, कि मैंने पत्नी से कहा कि वो लल्लू चाय वाला जब चाय बनाता है तो चाय पीकर के मजा आता है, ग्राहक उसी के गुण गाता है, मगर तेरे हाथ की चाय पीकर कभी सभी ही मजा आता है, बाकी तो मूड खराब हो जाता है। बता उसके चाय बनाने में और तेरे चाय बनाने में क्या फर्क है और इस विषय पर तेरा क्या तर्क है। तो पत्नी ने कहा कि लल्लू चाय वाला जब चाय खराब बनाता है तो ग्राहक दूसरी दुकान पर चला जाता है, लेकिन हमारा ग्राहक घूम फिर कर झक मार कर हमारी दुकान पर ही आता है, क्योंकि ग्राहक की और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट है, वो टेम्परेरी और हम परमानेंट है, और भाई साहब टेंशन जीवन में कई प्रकार के टेंशन होते हैं। मान लो कि आप डांस करना चाहते हैं लेकिन साउंड अच्छा लेकिन बेस ढंग का नहीं है, किसी के पास में मोबाइल अच्छा है मगर बैलेंस नहीं है, किसी के पास चेहरा बहुत अच्छा है मगर सर पे केस नहीं है, किसी पास वॉलेट अच्छा है मगर उसमें बैलेंस नहीं है, किसी के पास ढंग की मिसेस नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा टेंशन होता है। ढंग की मिसेस? हाँ यार, ये ढंग की मिसेस क्या होती है भाई साहब, आपसे अच्छी तरह कौन जान सकता है। ढंग की मिसेस मिलती है तभी आदमी कवि बन पाता है। पर तुम देखो यार, ये तो बड़ी गलत बात है ना, मतलब मुंडी हुई भेड़ से भी हम फिर से जो है उसे मूंड रहे हैं, मुंडी हुई भेड़ को भी हम फिर से मूंड रहे हैं, जिनके खुद की शक्ल के पता नहीं वो ढंग की मिसेज ढूंढ रहे हैं। तो किसी को टेंशन ही है कि उसके पास ढंग की मिसेस नहीं है, मिसेस का ढंग का फेस नहीं है, उसमें कॉमन सेंस नहीं है, मगर जिसके पास ढंग की मिसेस है, ढंग का कॉमन सेंस है, उसका अच्छा सा फेस है, उस मिसेस को ये टेंशन कि मेरे पास ये सब कुछ है तो क्या फायदा, मेरे गले में सोने का नेकलेस नहीं है। हाय वाह, सोने का नेकलेस नहीं। और पंक्तियां भाई साहब आप सुनिएगा, सोने का नेकलेस नहीं है, भ्रष्टाचार व्यभिचार आतंकवाद अब भारत में टिकने वाला नहीं है, भारत में जो भी रहेगा ऐसा काम करेगा उसकी खैर नहीं है, उसकी खैर नहीं है। वाह बहुत बढ़िया। बड़े बड़े स्पिन बॉलर देखे क्रिकेट में, शेन वॉर्न इधर बॉल डालते तो निकल के लेग स्टंप के बाहर डालते, ऑफ स्टंप उड़ा ले जाती बॉल, हमारे भज्जी जब वो दूसरा फेंकते थे, या भी कुलदीप यादव क्या कमाल की गेंद फेंकते हैं, इधर फेंकी पता ही नहीं चला किधर निकल गई। लेकिन आप तो सबसे बड़े स्पिनर निकले यार, तो बैलेंस नहीं है, कैश नहीं है, अचानक ज्ञान उसकी खैर नहीं है, जो भारत में ऐसा काम करेगा उसकी अचानक क्या सूझी कि मैं ज्ञान दे दूं, कहना कुछ और चाह रहे थे कह कुछ और बैठे, मतलब ये बॉल कहां गिरी कहां निकल गई आपको भी पता नहीं चला होगा,
आपको लगा होगा कि पहली 8 लाइन पे तालियां नहीं बजेगी, लेकिन जब देशभक्ति की बात करूंगा तो तालियां बजेंगी। तालियों के लिए जो आपने गेंद फेंक के इधर निकाली है, मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। कुछ समय पहले की बात है, मैं एक शो किया करता था। उस शो में कुछ 4-5 बरस पहले किसी एक एपिसोड में मैंने कहीं गरिमा सक्सेना के कुछ दोहे कहीं मेरे निगाह से गुजरे थे। मैं गरिमा को जानता नहीं था, आज उनसे पहली बार मिल रहा हूं, और वो दोहे मैंने उस शो में पढ़े थे गरिमा का नाम लेके। भाई गरिमा सक्सेना ये कहती है, उन्होंने बेटियों और नारी पे कुछ दोहे कहे थे, और तब से मेरे दिमाग में था कि ये एक लड़की है जो अच्छा लिखती है। और फिर आज वाह भाई वाह के मंच पे पहली बार उसे प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। गरिमा सक्सेना बैंगलोर से हमारे बीच। मैं शिमारू टीवी और शैलेश सर का आभार व्यक्त करती हूँ, और एक मुक्तक आप लोगों के सामने रखती हूँ। हूँ तेरे इश्क में पागल फितूरी पर नहीं हूँ मैं, हूँ तेरे इश्क में पागल फितूरी पर नहीं हूँ मैं, अधूरी ही मिली तुझसे अधूरी पर नहीं हूँ मैं, अधूरी ही मिली तुझसे अधूरी पर नहीं हूँ मैं, समझ अब फर्क लहजे का तेरे मुझको भी आता है, समझ अब फर्क लहजे का तेरे मुझको भी आता है, जरूरत तो हूँ मैं तेरी जरूरी पर नहीं, हाय हाय वाह वाह, जरूरत तो हूँ मैं तेरी जरूरी पर नहीं हूँ मैं। और इसके बाद मैं एक गीत रखती हूँ आप लोगों के सामने। लगभग हर घर में ऐसा अक्सर होता है, यहाँ पर बीवी अपने मायके जाने की इच्छा रख रही है पति के सामने, तो देखिए क्या कहती है। पति तो नाचने लगा होगा, अक्सर पति मन में तो यही कर नाच ही रहे होते हैं नॉर्मली, जैसे ही पत्नी कहती है, फूट रहे होते हैं। हाँ, पत्नी जैसे ही नॉर्मली कहती है मायके जा, अच्छा कब आओगी, 15 दिन, मेरा जी नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मन ही मन पति यही सोच रहा होता है कि चलो कुछ दिन के लिए बल्ला टली। तो पत्नी कहती है, माँ के घर जाकर आती हूँ, बहुत दिवस बीते, माँ के घर जाकर आती हूँ, बहुत दिवस बीते, थोड़ा रखना ध्यान स्वयं का, जल्दी आऊंगी। ये जल्दी आऊंगी जो है, एक धमकी भरा जल्दी आऊंगी भी है और एक प्यार भरा जल्दी आऊंगी तो भी फिर है। इसका देखो जो थोड़ा सा अंदाज है वो बदल दो कहने का, है ना, माँ के घर जाके आती हूँ, बहुत दिन बीते, थोड़ा रखना ध्यान, जल्दी आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तब पति को समझ में आएगा कि जल्दी आऊंगी थोड़ा सा नहीं, वो अभी तक सारे लहजे समझ रहे हैं, उसके सारे जितने तात्पर्य हो सकते हैं वो भी वो डिकोड कर रहे हैं। जी डिकोड कर रहे हैं, वाह क्या बात है गरिमा, बहुत अच्छे। माँ के घर जाकर आती हूँ, बहुत दिवस बीते, थोड़ा रखना ध्यान स्वयं का, जल्दी आऊंगी, अरे हाँ जल्दी आऊंगी, अरे हाँ जल्दी आऊंगी। और पति अपने मन में नाच रहा है, लेकिन बीवी जान रही है कि पीछे क्या हाल होने वाला है, घर में क्या भूचाल आने वाला है, तो पत्नी कुछ हिदायतें देके जा रही है। घड़ी चाबियां मोजा पर्स रुमाल चिढ़ाएंगे, घड़ी चाबियां मोजा पर्स रुमाल चिढ़ाएंगे, आंख मिचौली खेल खेल कर तुम्हें सताएंगे, आंख मिचौली खेल खेल कर तुम्हें सताएंगे, कहीं नमक के धोखे में ना चीनी पड़ जाए, कहीं नमक के धोखे में ना चीनी पड़ जाए, यही सोचकर हर डिब्बे पर, यही सोचकर हर डिब्बे पर लेबल चिपकाए। वाह क्या बात है। और नहीं मिले सामान अगर फिर भी, नहीं मिले सामान अगर हैरान नहीं होना, मुझे लगाना फोन प्रिय मैं जानू हर कोना, नहीं मिले सामान अगर मुझे लगाना फोन प्रिय मैं जानू हर कोना, मोबाइल पर हाँ मोबाइल पर, मोबाइल पर मैं सारी मुश्किल सुलझाऊंगी, थोड़ा रखना ध्यान स्वयं का, जल्दी आऊंगी, थोड़ा रखना ध्यान।
और ये तो पत्नी ने अपने काम कर दिए, अब पति को क्या क्या करना है वो भी बता के जा रही है। तुलसी में जल और सांझ में दीपक धर आना, वाह वाह। तुलसी में जल और सांझ में दीपक धर आना, जो एक गृहिणी होती है वो कहीं भी रहे उसका जो दिल और दिमाग है वो घर में ही रहता है। तुलसी में जल और सांझ में दीपक धर आना, शीशे पर चिपकी बिंदिया से कुछ पल बतियाना। हाय 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 हाय, बहुत बढ़िया, चिपकी बिंदिया से बहुत अच्छा गरिमा, बहुत बढ़िया, वाह। स्वर्णिम यादों की एल्बम को, स्वर्णिम यादों की एल्बम को कुछ पल दोहराना, स्वर्णिम यादों की एल्बम को कुछ पल दोहराना, दूरी लाती पास यही तुम मन को समझाना, वाह वाह, दूरी लाती पास यही तुम मन को समझाना। और मैं जानती हूँ खिड़की आंगन दीवारें होंगे सारे गुमसुम, खिड़की आंगन दीवारें होंगे सारे गुमसुम, आऊंगी फिर लाऊंगी मैं बातों के मौसम, आऊंगी फिर लाऊंगी मैं बातों के मौसम। और एक सच बताती हूँ और एक सच कहती हूँ कि अधिक दिनों तक दूर नहीं, अधिक दिनों तक, हाँ अधिक दिनों तक दूर नहीं मैं भी रह पाऊंगी, थोड़ा रखना ध्यान स्वयं का, जल्दी आऊंगी, हाँ जल्दी आऊंगी। बहुत बढ़िया गरिमा, बहुत। एक गृहिणी जो अपने, और तुम एक गृहिणी हो और ये इस तरह की कविताएं कब लिखी जाती हैं, और तुमने एक नए और अनूठे विषय पे कविता लिखी है लेकिन इसका मूल भाव तुम छुपा गई, वो असल में कुछ और भी कहना जा रही है। देखो तुम नागा मत करना रोज नहाना, देखो तुम नागा मत करना रोज नहाना, और कपड़े सुखाने गलती से भी छत पर मत जाना। और लुच्ची पड़ोसन से अगर चीनी मांगी तो देख लूंगी मैं, फीकी चाय पी के भले ही तुम मर जाना। और अगर ये नहीं किया तुमने तो रख लेना ध्यान के फिर मैं जल्दी आऊंगी। ये जो इसमें बीनीथ द लाइंस जो धमकी है वो यही है, लेकिन ये भाव है, बड़ा खूबसूरत भाव है कि तुलसी पर जल देना और संध्या को दीपक धर देना, यही हमारी संस्कृति है और यही हमारी संस्कृति जिंदा रहनी चाहिए। हम हंसी मजाक में चाहे कुछ भी कहते हैं लेकिन भारतीय संस्कृति जो है वो हमारी अद्भुत है, कमाल की है, और हम चाहते हैं कि उसी का प्रचार प्रसार करें इन कविताओं के माध्यम से। आइए चलते हमारे उस सेगमेंट की ओर जिसका नाम है कहानी थोड़ी इल्मी है। ये हरी शिव दसानी नाम के एक्टर थे, मुझे जहां तक याद है, राजेंद्र कुमार साहब हैं। क्या चर्चा चल रही है, अरे धक्का दे के निकाल दिया, बड़ा कमाल का। किसी को कुछ याद आता है इस पे? हाँ गरिमा जी, मुझे एक शेर याद आता है, अजब ये देख कर फितरत बहुत तड़पा है मेरा दिल, अजब ये देख कर फितरत बहुत तड़पा है मेरा दिल, वही अब मारते ठोकर जिन्हें चलना सिखाया है, वही अब मारते ठोकर जिन्हें चलना सिखाया है। और हमें कमजोर मत समझो बहुत कुछ झेल सकते हम, हमें कमजोर मत समझो बहुत कुछ झेल सकते हम, हमें हालात ने हर जख्म को सहना सिखाया। वाह क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया, हमें हालात ने हर जख्म को सहना सिखाया है। लेकिन हम ऐसे हालात पैदा ही क्यों होने दें कि जख्म आए, और अगर जख्म हो तो मुस्कुराइए क्योंकि जख्म एक दिन भर जाते हैं, है ना। और जख्मों पर रोने से या दर्द पे छींचने से कुछ नहीं होता, जख्म को पालिए कोई दिक्कत नहीं है, जख्म पे कोई दवाई काम नहीं करती, सिर्फ मुस्कुराहटें चस्पा कर दीजिए, जख्म भी भर जाएंगे और हम सब कहेंगे वाह भाई वाह। आइए